सबको जय यीशु की। पिता परमेश्वर ने मौका दिया है टीवी चैनल के माध्यम से आपके साथ उपस्थित होने का, और ये स्तुति प्रशंसा प्रेज एंड वर्शिप आप लोगों के साथ मिलकर करने का। हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए जो इस वक्त इस टीवी चैनल को देख रहे हैं। प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है कभी अंधकार में नहीं भटकता है, संसार की ज्योति मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, जो डाली मुझ में रहती है फल उत्पन्न करती है। आइए हम प्रभु में बने रहें, नित्य प्रतिदिन उसके वचनों को हम स्मरण करते रहें। संत पौलुस हमें बताता है कि पिता ईश्वर की इच्छा ये है कि है हम नित्य प्रतिदिन धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करते रहें। इसलिए इस वक्त जितने भी लोग टीवी चैनल के माध्यम से स्तुति में भाग ले रहे हैं, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको इस वक्त चंगाई प्रदान करेगा और स्पर्श करेगा। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और उसकी आशीष हम प्राप्त करेंगे।
कुछ भी नहीं, तेरे बिना मेरा जीवन नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। दया करो यीशु मेरे, दया करो अब्बा मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर दो यीशु मेरे, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए। मैंने तेरा सामर्थ और तेरी महिमा देखी है, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है, तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति गान करता है, मेरा कंठ तेरा स्तुति गान करता है। आपा पिता हृदयों की थाह लेने वाले मेरे ईश्वर, हमारे हृदयों की तेरे इन बच्चों की हृदयों की थाह लेने की कृपा कर। इन्हें आशीर्वाद दे, इनके जीवन में तेरी महिमा निरंतर होती रहे। हे आपा पिता,
जो तुझसे दूर चले गए हैं उन्हें अपने पास लाने की कृपा कर। इस वक्त हम विशेष रूप से दुआ करते हैं तेरे भक्तों के लिए, अभिषिक्त चुने हुए व्यक्तियों के लिए, तेरा पवित्र हाथ उनके ऊपर सदा बना रहे। मेरे अब्बा पिता, इन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। तेरी स्तुति तेरी महिमा हमारी जुबान से, होठों से, जीवन से, परिवार से और हर एक चीज से होती रहे। जितने लोग इस वक्त प्रभु इसमें भाग ले रहे हैं, जो इस टीवी चैनल को देख रहे हैं और स्तुति वंदना में है, तेरा अनुग्रह इन्हें मिल जाए। तू सृष्टि का मालिक है, तू सृष्टि का रचयिता है, इसके साथ मिलकर हे प्रभु हम तेरी आराधना स्तुति महिमा गाते हैं। तू सृष्टि का मालिक है, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो, तेरी महिमा हो। शैतान को छूने न देना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, धीरज से तू हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इस शैतान को छूने न देना। आहा
हम पर भी रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर भी रहे, हम पर भी रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। प्यारे भाई और बहनों, दोनों हाथों को खुला छोड़िए। उस सृष्टि का मालिक, हृदयों की थाह लेने वाला प्रभु, जिसके हम बच्चे हैं, जिसने हमें पवित्र किया है, जिसने हमें स्पर्श किया है, जिसने माता के गर्भ में रचने से पहले हमको देखा है, जिसने हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है, वो प्रभु हमें अनंत प्रेम से प्रेम करता है। इस वक्त आप सभी लोगों को वो स्पर्श करे, हमारे तन मन हृदय आत्मा को सुरक्षित रखे, शैतान की कोई भी दुरात्मा शक्तियां इन्हें छूने ना पाए और आप लोगों को आशीर्वाद मिले। घर से बाहर जाते समय, घर पर लौटते समय, मार्ग में आते जाते समय, सारी बुराइयों से, सारी असुरक्षाओं से प्रभु आपको सुरक्षित रखे। आपके माल डंगर, खेती बाड़ी के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, कामकाज के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद मिले। आटा गूंदने वाली परात के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद मिले। आपके दशमांश जो प्रभु को आप समर्पित करते हैं, आशीर्वाद मिले। आप जो भी काम करते हैं उसमें प्रभु का आशीर्वाद और अनुग्रह हमेशा बना रहे। जीवन देने वाला प्रभु, चंगा करने वाला, आत्मा देने वाला, आनंद देने वाला प्रभु आपको खुशियों से भर दे। पिता ईश्वर आपको हमेशा नए जीवन और खुशी में बनाए रखे। ये प्रार्थना हम करते उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।